गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। 1.4 में कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है पेज नंबर 11, 12, 13 एंड 14 पर। मैं उस चार पेजों का आपको कुछ ही मिनट में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एग्जैक्ट है क्या इसमें। फर्स्ट आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, सेट ए, सेट बी, कुछ यू, उल्टा यू और कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, 5, 4। तो ये सब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट क्या है, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है हमारा सेट ए है। और सेट बी क्या है, 2, 4, 6, 8, उसके नीचे है ए यू बी। ए यू बी बोल मतलब क्या होता है, ए यू बी, ए यूनियन बी, यू मतलब यूनियन होता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब जो ए और बी का जो सम नंबर है वो आ जाता है ए यूनियन बी में, 1, 2, 3, 4, 5। और बचे हुए जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो क्या आ जाएंगे उसमें, 6, 8, यानी कि 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। और इसके नीचे आएगा ए उल्टा यू बी लिखा हुआ है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि जो दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्शन हो रहे हैं, दोनों को इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वो दोनों को कॉमन ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। तो इंटरसेक्शन क्या है, नंबर नंबर 2 एंड नंबर 4, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। और ऊपर क्या जाएगा, जो कॉमन छोड़ के बाकी सब कॉमन भी लेना है लेकिन सिंगल ही लेना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है और उसमें कॉमन हटा दिया है, नीचे 2, 4 नहीं लिखा हुआ है, 6, 8 लिखा हुआ है, यानी कि ए बी, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, राइट साइड में रेड पेन से लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेट ए। अब ए में कितने हैं, ये है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर इक्वल्स टू में 5। नंबर नंबर यानी कि टोटल नंबर कितना है, बी में कितने नंबर है, 4 है। ए यूनियन बी में टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। और ए इंटरसेक्शन बी में नंबर हो रहे हैं 2, क्योंकि जो 2 कॉमन है वो। अब ये फार्मूला आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल के अपने नोटबुक में लिख कर लेना है, टेक्स्ट बुक का पढ़ोगे बहुत हार्ड है, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। ये फार्मूला अच्छे से ले, जहाँ जहाँ जो पूछे ये फार्मूला लगाना है। यानी कि अगर आपके क्लास में स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, 9th में मान लो 15 है या 20 है, तो 20 ये हो जाएगा ए यूनियन बी, हाँ। और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ यानी कि जो कितने रैंक लाए, कितने नंबर, जैसे गर्ल्स में भी फर्स्ट आया, सेकंड ये बॉयज़ में भी फर्स्ट आया, सेम परसेंटेज है, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 1.4 देखते हैं अभी हम। 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ नंबर ऑफ सेट ए इज 15 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 29 एंड ए इंटरसेक्शन बी 7, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बी सेट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये रहा हमारे पास दिया क्या गया है, दिया ये है नंबर ऑफ सेट ए 15 है, नंबर ऑफ यूनियन यानी कि टोटल नंबर कितने, 29, जो टोटल होगा वो साइड में होगा ना, तो देखो रेड पेन के नीचे 29 लिखा हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी 7 है, तो नंबर ऑफ बी निकालना है हमको। तो नंबर ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाया ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, नंबर दोनों का ए और बी का ऐड करके उसे माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी से, और हमारा क्या निकलेगा, ए यू बी। तो हमारे पास निकालना क्या एक्चुअल में, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी निकालने के लिए 29, मैं आपको ऐसे पेन से सॉल्व करके दिखाती हूँ, देखते हुए नहीं समझ में आता होगा तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है 15, ठीक है, और नंबर ऑफ ए यू बी यानी कि यूनियन टोटल नंबर दिया है 29, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है 7, देन फाइंड नंबर ऑफ बी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला इसका ये लगने वाला है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू
नंबर ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ए यू भी दिया 29, ठीक है। नंबर ऑफ ए यानी कि ये दिया 15 प्लस ये हमको निकालना है एन एन बी माइनस 7। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 29 एज इट इज़ लिखने वाले हैं और 15 में से 8 गया तो क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो 8 बच रहा है, तो एज ये यहाँ पर एज इट इज़ उतारना है और एन बी निकालने के लिए 29 माइनस 8 यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेट बी के हैं 21। तो आया समझ में मैंने कैसे सॉल्व किया है? अगर इसमें से नहीं समझ में आ रहा तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ बी निकलेगा 21, लेकिन आपको ये फार्मूला जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी एंड 60 ड्रिंक्स कॉफ़ी एंड 20 ड्रिंक्स अ टी एंड कॉफ़ी बोथ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। इसका सॉल्यूशन इधर है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट यानी क्वेश्चन का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ क्या। पहले एक हॉस्टल है जिसमें टोटल 125 स्टूडेंट्स यानी कि ए यूनियन बी, जो 25 स्टूडेंट्स वो टोटल नंबर है तो आ जाएगा ए यूनियन बी। उसमें से 80 यानी 80 स्टूडेंट्स चाय पीना पसंद करते हैं और 60 बच्चे कितना कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, यानी कि 80 एंड 60 ये क्या है ए और बी। एंड 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी और उसी में से 20 बच्चे क्या दोनों पीना पसंद करते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक और कॉफ़ी। गिवन देखो, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दैट इज यूनिवर्सल सेट वो हमारा कितना होगा 125 होगा। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक टी ए हो जाएगा जो कि 80 स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी का 20 कितने स्टूडेंट्स हैं 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 यहाँ लिखा हुआ है वो हो जाएगा सेट बी हो जाएगा। और यूनियन 125 सेट ए 80 एंड नंबर ऑफ बी 60, देन हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया पहले से ही, फॉर्मूला वही लगने वाला है ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी एंड माइनस नंबर इंटरसेक्शन बी। तो मेरे पास हमें तो मालूम है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, लेकिन ये साइड में ही रखना है, इसमें से हमको सॉल्व करना है। तो ए दिया है 80 और ये दिया है 60 और माइनस क्या है कॉमन जो आ रहा है हमारे पास, दोनों पी रहे हैं स्टूडेंट्स टी एंड कॉफ़ी, वो आ रहा है 20। तो 125 ये इसे यहीं साइड में रखो और ये दोनों का ऐड होता है 140, है ना, 80 प्लस 60 140 माइनस 20, तो आ रहा है कितना है 140 माइनस 20 120। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है टोटल स्टूडेंट्स में से 120 माइनस के, तो 5 स्टूडेंट्स। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टी भी नहीं पिया और कॉफ़ी भी नहीं पिया। तो आया समझ में सेकंड क्वेश्चन? तो इसी तरह आपको पूरा सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है, आप खुद होके सॉल्व करो। और नहीं आया तो मैं बताती हूँ।